आज से हम करेंगे क्लास 11th की फिजिक्स स्टार्ट। तो पहला जो चैप्टर है वो है आपका फिजिकल वर्ल्ड, ठीक है। तो स्टार्टिंग में हम देखते हैं डेफिनेशन आपका फिजिक्स की, आपकी डेफिनेशन। तो डेफिनेशन आपकी कुछ इस तरीके से है फिजिक्स की कि आपका वो सब्जेक्ट जिसमें आप क्या करोगे, अपने आसपास के नेचर की, हम नेचर की स्टडी करेंगे इसमें आप लोगों का, कि नेचर में कौन सी कोई भी अगर फिनोमिना हो रहा है आपका तो वो किस रूल से हो रहा है आपका, ये स्टडी आप करोगे, उसको बोलते हैं आपका फिजिक्स आपका। अब लोग बोलते हैं कि ये तो फिजिक्स नहीं होती, ये बायोलॉजी होती है आपका, क्योंकि वहीं पर हम पेड़ पौधों के बारे में पढ़ते हैं। मैंने ये नहीं कहा कि हम पेड़ पौधों के बारे में पढ़ेंगे, मैंने ये कहा कि ये जो नेचर है हमारा, इसमें जो भी रूल्स आपके, जो भी चीज़ें हो रही हैं, जैसे दिन हो रहा है तो कैसे हो रहा है, रात हो रही है तो कैसे हो रही है, ये भी तो नेचर है आपका। मौसम बदल रहा है, कैसे बदल रहे हैं मौसम, कभी ठंडा होता है कभी गर्म होता है आप लोगों का, कभी धूप, कभी सूरज जल्दी उग जाता है, कभी दिन लंबी होती हैं, कभी रातें छोटी हो जाती हैं आपका। तो वो चीज़ें आपकी, वो ये सारे के सारे नेचुरल जो फिनोमिनाज है, इनकी जो स्टडी आप करोगे उसको बोलोगे आपके आपका फिजिक्स, कि आखिर ये कैसे हो रहा है आपका, ठीक है। साथ में फिजिक्स की एक और डेफिनेशन होती है आपका कि फिजिक्स से आप ना अपने फ्यूचर को भी प्रेडिक्ट कर सकते हो आप लोगों का। अब वैसा वाला फ्यूचर नहीं है जो हाथ देख के करते हैं, वो नहीं है आपका। जैसे आप गाड़ी में बैठे हो आप लोगों का, तो गाड़ी में बैठे हो तो कहने का मतलब गाड़ी में बैठे हो, उसकी कुछ स्पीड से गाड़ी आपकी चल रही है आपका, तो आप ये प्रेडिक्ट लगा सकते हो आप लोगों का कि 1 घंटे बाद आप कहाँ पहुंचे होंगे, या फिर 1 घंटे बाद आपकी गाड़ी में कितना पेट्रोल बचा है आपका। क्योंकि जैसे मान लो ना, 1 किलोमीटर चलने में गाड़ी का पेट्रोल इतना खर्च होता है, तो आपका 1 घंटे बाद आप कहीं कितने किलोमीटर आपने ट्रेवल किया, तो ये सारी चीजें आप कैलकुलेट जो करते हो आपका, प्रेडिक्ट कर रहे हो आपका, तो ये सारा का सारा क्या है आपका, फिजिक्स, ठीक है आपका। अब स्कोप देखते हैं फिर, ये तो फिजिक्स की डेफिनेशन थी, या फिर व्हाट इज फिजिक्स, तो स्टडी किस चीज की स्टडी, हमारे नेचर की, या जो नेचुरल जो फिनोमिनाज है उनकी स्टडी जो आप करोगे वो क्या होगा आपका, फिजिक्स, या फिर थोड़ा सा फ्यूचर को आप प्रेडिक्ट भी कर सकते हो आपका फिजिक्स है। नेक्स्ट चीज आती है आपका स्कोप ऑफ फिजिक्स, आखिर फिजिक्स कहाँ कहाँ पर है आपका। देखो फिजिक्स ना, आपका एटम होता है आपका छोटे से छोटे, देखो सबसे छोटा आपका एटम होता है, एटम के अंदर भी क्या होता है न्यूक्लियस उसका, जो बहुत ही छोटा होता है, स्मॉलर इन साइज। तो आप न्यूक्लियस के बारे में भी स्टडी करोगे फिजिक्स में, साथ ही में ना आप यूनिवर्स के बारे में, पूरे के पूरे ब्रह्मांड के बारे में भी स्टडी करोगे। तो आप फिजिक्स के अंदर इतने छोटे से मटेरियल से पूरे के पूरे ब्रह्मांड तक जाओगे, तो इसका स्कोप कितना बड़ा है फिर आपका, छोटे से छोटे से लेकर बड़े से बड़े तक, तो इतना बड़ा आपका इसका स्कोप है। इसके बाद आता है आपका कि रोल क्या होता है फिजिक्स का, ठीक है, हमारी डेली लाइफ में, या पहले आते हैं टेक्नोलॉजी में क्या रोल है आपका फिजिक्स का। तो देखो कोई भी इंडस्ट्री अगर जब बनाते हैं ना आप लोगों का, जैसे कहीं पर अगर बाइक वाइक बन रही है आपका, बाइक वाइक बनाने के लिए कोई कंपनी खोल रहा है, तो वो ऐसा नहीं है कि वो सीधे बाइक का मटेरियल लेके आया और खोल दी उसने, ऐसा नहीं होता है आप लोगों का। मेरा मन करे और मैंने ये कल ही खोल दी यहाँ पर, छपरी लगा के खोल दी मतलब, तो ऐसा नहीं होता है आप लोगों का। अगर आपको बाइक मैन्युफैक्चर करनी है आपका, तो आपको बहुत सी चीजें उसमें देखनी पड़ेंगी आप लोगों का, ठीक है। आपका कौन सा आप मटेरियल यूज करोगे, क्या चीज आप, कैसे उसकी कितना पेट्रोल कंजम वो करने वाला है आप लोगों का, कैसे वो गाड़ी चलेगी, कैसे उसका फ्रिक्शन कम होगा, टायरों का फ्रिक्शन कैसे ज्यादा रखोगे, तो ये बहुत चीजें आपकी होती हैं। आपका टायर होती है, देखो उसमें खांचे बने रहते हैं, अंदर को गैप होते हैं, वो क्यों बनाए रहते हैं आपका, उसकी जगह हम गोल भी तो ले सकते थे, पूरा प्लेन ले सकते थे, एकदम नहीं लेते हम एकदम प्लेन। जो टायर होते हैं आपके एकदम, जब नए टायर होते हैं तो उसमें हम क्या कहते हैं, गड्ढे, इस डिजाइन होते हैं आप लोगों का इस तरीके के, थोड़ा से अंदर को गड्ढे होते हैं, वैसा क्यों लेते हैं आप लोगों का, उनकी जगह हम पूरा का पूरा प्लेन ले सकते हैं आप लोगों का, नहीं लेते हैं लेकिन प्लेन, क्योंकि प्लेन लेंगे तो क्या होगा आपका, वहां पर फ्रिक्शन आपका नहीं मिलेगा आपका, और गाड़ी सीधे रपट जाएगी आपका। टायर जब पुराने हो जाते हैं तो उनका वो पूरे जब घिस जाते हैं आपका, तब वो एकदम प्लेन हो जाते हैं नीचे से, तो उस टाइम क्या होता है गाड़ी रपटने का। तो कहने का मतलब आपका, हम रोल पढ़ रहे हैं आपकी सोसाइटी में, तो हम कोई भी बिजनेस करने वाले हैं, कुछ भी करने वाले हैं, तो वहां पर हम क्या, फिजिक्स हमारी लगेगी आप लोगों का, ठीक है। आप लोगों का ये समझ में आ गया होगा, तो रोल तो बहुत ही है आपका जैसे, ठीक है। नेक्स्ट आता है आप लोगों के पास हमारे पर, हमारे में क्या इंपैक्ट है, देखो हमारे में क्या इंपैक्ट है, देखो हम मोबाइल, अभी मैं मोबाइल में आप देख के मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों का, और आप, मैं अपने घर में हूँ, आप अपने घर में इस वीडियो को देख रहे हो आप लोगों का, ये भी तो टेक्नोलॉजी है आप लोगों का, ये भी फिजिक्स ही है आप लोगों का, इसमें भी फिजिक्स लगा है, ये मोबाइल में फिजिक्स लगा है। तो फिजिक्स से आपका क्या है ना, फिजिक्स से ना एक चीज़ ये है, देखो मोबाइल है, मोबाइल से हम बातें करते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं, कम्युनिकेट कर लेते हैं, यहाँ से कहीं दूर भी आपका, दिल्ली मुंबई कहीं भी हम कम्युनिकेट कर लेंगे आप लोगों का। तो ये क्या करता है आपका, जो टेक जो फिजिक्स है वो हम लोगों को क्लोज भी लेके आ रहा है आप लोगों का, ठीक है, कम्युनिकेट करने में हेल्प कर रहा है।
तो ये कुछ है आपका फिजिक्स का, आपका रोल हमारे उसमें आप लोगों का। साथ में ये हमारी चीज़ों को आसान भी बनाता है हमारी डेली लाइफ में। जैसे हम पंखे का यूज़ करते हैं, ठीक हो गया, फ्रिज यूज़ करते हैं, वॉशिंग मशीन यूज़ करते हैं आप लोगों का, तो ये चीज़ें हमारी डेली लाइफ में, बहुत सी चीज़ें हम टीवी देखते हैं आप लोगों का, तो इतनी चीज़ें हम देख रहे हैं, तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या कर रही हैं हमारे डेली लाइफ में, हम हमारे लिए क्या कर रही हैं, एक तो हमको ईजी वो दे रही हैं हमारे, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है आप लोगों का, ये तो हो गया इम्पैक्ट ऑफ सोसाइटी। नेक्स्ट है देखो, जो फिजिक्स है ना वो अदर सब्जेक्ट से भी रिलेटेड है, मतलब ऐसा नहीं है कि फिजिक्स एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट है, ऐसा नहीं है। वैसे तो कोई भी सब्जेक्ट ना इंडिविजुअल नहीं होता है आपका, कि वो बस खुद में ही हो आपका और किसी और सब्जेक्ट से रिलेटेड ना हो, ऐसा नहीं होता है आप लोगों का। वैसे ही फिजिक्स भी है वो अदर सब्जेक्ट से भी रिलेटेड है। जैसे ना फिजिक्स केमिस्ट्री से भी रिलेटेड होता है। देखो केमिस्ट्री में हम एटम्स के बारे में पढ़ते हैं आप लोगों ना, एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, क्लास 11th, ये 9th 10th स्टार्टिंग में हम यही तो पढ़ते हैं आपका, तो स्ट्रक्चर के बारे में केमिस्ट्री में हम ये पढ़ते हैं आप लोगों का ना। लेकिन हम क्या करते हैं ना, फिजिक्स में भी बहुत सी चीजें ऐसी आती है जब हम ये पढ़ते हैं आप लोगों का, जैसे हम एक्सरे डिफ्रेक्शन देखते हैं आप लोगों का, ठीक हो गया, डिफरेंट टाइप की चीजें हम क्या देखते हैं, केमिस्ट्री की चीजों को भी हम क्या करते हैं फिजिक्स में स्टडी करते हैं आप लोगों का, तो उसको बोला जाता है आपका, देखो फिजिक्स सब्जेक्ट आ गया आपका, केमिस्ट्री को भी यूज कर रहे हैं हम फिजिक्स में। साथ में आपका बायो भी यूज होती है आप लोगों का। देखो बहुत सी ऐसी चीजें हैं ना आप लोगों का, जैसे आपका वो है आप लोगों का इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है आपका, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, उससे क्या काम आता है ना, उससे हमारे जो ये सेल्स है ना, इन सेल्स को देखने के काम आता है। सेल्स बहुत छोटी होती हैं आप लोगों का, ये नॉर्मल माइक्रोस्कोप से नहीं, तो हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखते हैं, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या करता है, उसको बड़ा। तो माइक्रोस्कोप क्या है, एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जो फिजिक्स का इंस्ट्रूमेंट है आपका। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हम क्या देख रहे हैं आपका, स्टडी कर रहे हैं हमारे ये इन सेल्स के स्ट्रक्चर की आप लोगों का। तो ये हो गई बायोलॉजी में आ गया फिर ये आपका। तो कहने का मतलब फिजिक्स का आपका जो फिजिक्स है उसकी हेल्प से हम बायो में भी आपका क्या कर रहे हैं, आपका स्टडी कर रहे हैं आप लोगों का। ऐसे ही हम मैथ्स में भी डिफरेंट आपका, जैसे ओशियनोग्राफी होता है आपका, सिस्मोग्राफी होता है, भूकंप की स्टडी कर रहे होते हैं, समुद्र की स्टडी कर रहे होते हैं, तो डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं जिसमें फिजिक्स का क्या होता है आपका, अपना रोल होता है। अब इसके बाद आता है आपके यहाँ बेसिक फोर्सेज, ठीक है। तो बेसिक फोर्सेस क्या क्या है फिर आप लोगों के, जैसे बेसिक फोर्सेस में आता है एक ग्रेविटेशनल फोर्स, एक तरीके का बेसिक फोर्स है आपका। तो ग्रेविटेशनल फोर्स आपने स्टडी किया होगा 9th में आपका। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, वो बोलता है कि दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में हमेशा क्या लगता है, एक अट्रैक्शन फोर्स आपका काम करता है आपका, और कुछ इसके बारे में चीज थी कि दोनों मासेस के प्रपोर्शन होता है और बीच के डिस्टेंस के इनवर्सली स्क्वायर के प्रपोर्शन होता है, मतलब एफ इज इक्वल टू जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर, कुछ इस तरीके से रूल था आप लोगों का, ठीक है। तो वो अट्रैक्शन का, तो बेसिक फोर्सेस की मैं बात कर रहा हूं, तो पहला फोर्स ग्रेविटेशन फोर्स होता है, दूसरा होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, तीसरा होता है कुछ वीक फोर्सेस, वीक न्यूक्लियर फोर्सेस, और चौथा होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस। तो इन चार फोर्सेस को हम बोलते हैं आपका कि ये बेसिक फोर्सेस हैं आपके, ठीक है। तो क्या क्या काम है आपका, ग्रेविटेशन फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, आपका वीक न्यूक्लियर फोर्सेस एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस, ठीक हो गया। तो पहला वाला तो हमें समझ में आ गया, दूसरा वाला क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्सेस और मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस मतलब क्या होता है। देखो ग्रेविटेशनल फोर्स तो ठीक है कि दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो फोर्स काम कर रहा है, मतलब जैसे सन और अर्थ के बीच में जो फोर्स काम कर रहा है वो ठहरा आपका ग्रेविटेशनल फोर्स आपका। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या है, देखो दो मैग्नेट्स आप लेते हो, वो दोनों एक दूसरे में फोर्स लगाते हैं, ऐसे ही दो प्लस वाले चार्ज भी एक दूसरे में फोर्स लगाते हैं, रिपेल करते हैं, तो ऐसा वाला जो फोर्स होता है आप लोगों का उसको बोला जाता है आपका क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। जहां पर आप इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स देखोगे, उन दोनों की स्टडी करोगे, ठीक है। अब आया वीक न्यूक्लियर फोर्स, तो वीक न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है, देखो कहीं का रेडियो एक्टिव मटीरियल होता है, तो रेडियो एक्टिव मटेरियल रेडिएशन एमिट कर रहे होते हैं न्यूक्लियस से ना, आपकी अल्फा क्या कहते हैं आपका प्रोटॉन न्यूट्रॉन इनको एमिट कर रहे होते हैं आप लोगों का, तो वो क्या है आपके, वीक है आपके, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर जो भी चीज होती है वो स्ट्रांगली बॉन्डेड होती है आपका, लेकिन फिर भी ये लोग निकल जा रहे हैं आपका, जो भी रेडियो एक्टिव मटीरियल है उसके न्यूक्लियस से चीजें निकलती हैं आपका, तो मतलब है उसके न्यूक्लियस के अंदर क्या है आपका, वीक फोर्सेस काम कर रहे हैं आपका, ठीक है। तो ऐसे वीक फोर्सेस, स्ट्रांग फोर्सेस न्यूक्लियस के अंदर स्ट्रांग फोर्सेस भी होते हैं आप लोगों का। जब किसी न्यूक्लियर का एक्सप्लोजन होता है आपका, जो न्यूक्लियर बॉम्ब होता है आपका, जब वो एक्सप्लोड होता है तो उतनी ज्यादा एनर्जी आपका निकलता है, तो कितना ज्यादा एनर्जी निकलती है जब एक आपका न्यूक्लियस फूटा, आपका चीजें तबाह कर देता है न्यूक्लियर बॉम्ब में ना आपका, तो वो कुछ चीजें आप लोगों का। तो ये है आप लोगों का रोल ऑफ, मतलब यही चीज आप फर्स्ट चैप्टर में आप देखने वाले हो, मतलब कहने का मतलब फर्स्ट चैप्टर बस इतना सा है ना आपका कि क्लास 11th और 12th की जो भी फिजिक्स है आपका उसका वो सारा का उस सबका ओवरव्यू है आपका, ठीक है। ये फर्स्ट चैप्टर में आपका, तो इसके नोट्स मैं नहीं बनाऊंगा आप लोगों का, कल से हम स्टार्ट करेंगे आपका जो इसका सेकंड चैप्टर है आपका, ठीक है, वहीं से आपका चीजें स्टार्ट होंगी। ये चैप्टर आपका बस थ्योरेटिकल है, आप एक बार इसको पढ़ लेना एनसीईआरटी से, ठीक है।